यूपी के मुजफ्फरनगर में हुए दंगों का दर्द आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। एक लड़की से छेड़छाड़ के बाद शुरू हुआ हंगामा कुछ वक्त में ही सांप्रदायिक दंगे में तब्दील हो गया और दोनों तरफ से जमकर खून खराबा हुआ। इस दंगे के लिए बीजेपी नेता सुरेश राणा और संगीत सोम को आरोपी बनाया गया। इससे पहले कि ये कोर्ट के आदेश के बाद गुनहगार बन पाते, वो चुनाव जीत कर मंत्री और विधायक बन गए, जिसके बाद योगी सरकार के मंत्री सुरेश राणा, बीजेपी विधायक संगीत सोम के अलावा बीजेपी नेता भारतेंद्र सिंह, साध्वी प्राची समेत 40 लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस ले लिया गया। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। 27 अगस्त 2013 में मुजफ्फरनगर के मलिकपुरा में रहने वाले सचिन और गौरव का झगड़ा शहनवाज नाम के लड़के से हुआ था। इस झगड़े में शहनवाज की मौत हो गई, जिसके बाद भीड़ ने सचिन और गौरव की भी जान ले ली और फिर दंगा भड़क गया। 7 सितंबर 2013 को नंगला मंदौड़ गांव के इंटर कॉलेज में महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें कई बीजेपी नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इस महापंचायत से लौट रहे लोगों पर कथित तौर पर हमला हुआ। इसके बाद तो पूरे इलाके में दंगा भड़क उठा। दंगों में 65 लोगों की मौत हुई, 40,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। इन दंगों के मामले में 1480 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 6800 से अधिक लोगों के खिलाफ 510 मुकदमे दर्ज किए गए। इनमें से 165 केसों में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। इस पूरे मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कई मामले दर्ज कराए, साथ ही पुलिस की भी ओर से कुछ मामले दर्ज किए गए। नंगला मंदौर में जो महापंचायत हुई थी, उसको लेकर सुरेश राणा, संगीत सोम के अलावा भारतेंद्र सिंह और साध्वी प्राची समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे। ये केस जिले के सिखेड़ा थाने में दर्ज किया गया था। इस केस में बीजेपी नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था। महापंचायत के दौरान बीजेपी नेता संजीव बालियान जेल में थे। उन्हें महापंचायत से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। साल 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी के नेता सुरेश राणा और संगीत सोम बीजेपी टिकट पर विधायक बन गए। राणा को गन्ना मंत्री का पद मिल गया। बीजेपी नेता संजीव बालियान भी सांसद बन गए। उन्होंने सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुकदमे वापस लिए जाने की मांग की थी। दिसंबर 2020 में यूपी सरकार ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की सिफारिश की, जिस पर आखिरकार कोर्ट की मुहर लग गई और अब सभी आरोपी बिना केस के ही बरी हो जाएंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे थे तो लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।